हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय वीडियोस। तो मैंने आज एक ऐसा वीडियोस लेके आई, होप आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी एंड ए प्लेस आप लोग जरूर विजिट करेंगे। तो ए प्लेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रियली इट्स ऑसम एंड ब्यूटीफुल प्लेस। अभी बताएंगे ए प्लेस एग्जैक्टली कहाँ है। वो बताने की पहले मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी, अगर आपको हैदराबाद में बैठ के गोवा का फीलिंग्स लेना है तो ज़रूर जाना है इस प्लेस में आपको, क्योंकि अब जब इस प्लेस में बैठ के एक ड्रिंक पियेंगे ना, तो आपको लगेगी शायद आप गोवा में आ गई है। तो अभी बताते हैं प्लेस का नाम क्या है। एक्चुअली ये जो प्लेस आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये गांडीपेट में है। गांडीपेट में जो लेक है, उसी लेक की बाजू में लेविरिंथ लेक फ्रंट एक रेस्टोरेंट में ए प्लेस एक्चुअली। तो सच में ये बहुत ही अच्छी प्लेस है एंड इधर कार पार्किंग लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही बिग प्लेसेस है। बहुत अच्छा आउटडोर है, सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आप लोग ये वीडियो में देख सकेंगे, सब बच्चे लोग बैठ के अपना कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी बताते ये रेस्टोरेंट कब ओपन होता है एंड कितने बजे तक ओपन रहता है। एक्चुअली मॉर्निंग 11 तक ये ओपन रहता है, ओपन होता है, और 11:30 रात को ये बंद होता है। तो अब जब जाने की रास्ता में आपको मेलुहा इंटरनेशनल स्कूल मिलेगी गांडीपेट में, वही स्कूल की बाजू में जो गली है उसी से ही अंदर की तरह थोड़ा जाना है, तो आपको डेस्टिनेशन में मिल जाएगी। एंड ये प्लेस ना बिल्कुल नेचर है, आप पूरा नेचर के साथ बैठ के अपना फूड एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगा मैं हर एक कॉर्नर का वीडियोस कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप जो लोग विजिट नहीं किया ये प्लेस आराम से विजिट कर सके। एंड मुझे जितना इन्फॉर्मेशन देने का फील हुआ मैंने दे दिया, और भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी जितना मुझे पता है। और इधर बच्चे लोगों के लिए बहुत सारे झूला है, तो मैंने भी थोड़ा सा इसमें झूल लिया। एक्चुअली अलाउ नहीं है बड़े के लिए, फिर भी मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे भी करने का मन हुआ। इतना अच्छी प्लेस है ना, तो हम बच्चे लोगों के साथ खेला। हम 4:30 उधर पहुंच गई थी, 6:30 बैक किया। एक्चुअली थोड़ा और अंधेरा होने से भी व्यू अच्छी होती है, पर हम लोग आज नहीं रुकी, थोड़ा जल्दी आ गई। और वीकेंड के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बच्चे लोगों को लेके जाओ, 2-3 घंटा आराम से खेलो, क्योंकि ओपन प्लेस बहुत अच्छी है, अच्छा लगेंगी पक्का। हमको तो बहुत अच्छा लगा, हम बच्चे से बहुत प्ले किया, खाना खाई थोड़ा बहुत। तो अभी खाने के बारे में जो मैं बताऊंगी ऑनेस्ट रिव्यू, वो है मुझे खाना थोड़ा ओवर प्राइस फील हुआ एंड क्वांटिटी भी थोड़ा कम था। और एक बात जो थी, इतना टेस्टी नहीं लगा, पता नहीं क्यों। सी अबाउट द फूड इट्स डिपेंड्स राइट, मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद आपको अच्छा लगेंगे। तो मैंने मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया कि मुझे इतना अच्छी नहीं लगा खाने का टेस्ट। हमने फिश ट्राई किया था, फ्रेंच फ्राई ट्राई किया था एंड ड्रिंक्स थी, तो मुझे फ्रेंच फ्राई में थोड़ा स्मेल लगा फिश का, पता नहीं शायद एक ही ऑयल में फ्राई हुआ तो इसीलिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, शायद आपका अच्छा होंगी। और तो बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय किए, लोगों को भी बहुत अच्छी लगा। और ये जो व्यू है साइड में से, हमने बहुत फ़ोटो भी खिंचाया, तो आप लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए, ये बिल्कुल वर्दी प्लेस है।
फ्रेंड्स, कैसा लगा पूरा वीडियो? पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना मेरा चैनल को। और ये वीडियो देख के आप कौन कौन इस प्लेस विजिट करने वाले हो वो भी कमेंट में बता दीजिए। और कोई अगर पहले से विजिट किया, अपना फ़ोटो भी इस कमेंट पर पोस्ट कर सकते हैं, हम भी देखेंगे। तो हमने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ लिया, बहुत सारे वीडियोस भी बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा नेचर। तो ज़रूर विजिट कीजिए एंड सबको टाटा बाय बाय, एंजॉय द व्यू। लास्ट में मैंने एक बहुत ही गुड न्यूज़ देना भूल गई, वो मैं आप लोगों को देख के जाऊँगी। वो है, ए रेस्टोरेंट पेट फ्रेंडली है, आप अपनी पेट को लेके जा सकते हैं एंड आपका वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। और एक बात है, मेन्यू कार्ड में ना पेट के लिए भी फूड है, तो एंजॉय।